सार्क देश 1940s की कहानी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान तब एक थे। सुभाष चंद्र बोस जी एक आर्मी तैयार कर रहे थे रंगून सिंगापुर में। हमारे इंडियन सोल्जर्स अंग्रेज़ों के साथ में जुड़ के अंग्रेज़ों के लिए लड़ रहे थे जापानी लोगों से। तो उस तरह का कुछ माहौल था और देश में, और पता चलता है कि बोस साहब ने एक अपनी आर्मी खड़ी की है सिंगापुर में रंगून में, और यहाँ के कुछ सोल्जर्स उस आर्मी में जुड़ जाते हैं। तो अंग्रेज़ उनके ऊपर मुकदमा लगाते हैं कि आप ट्रेटर्स हो, और उनका कोर्ट मार्शल किया जाता है। तो द स्टोरी इज बिटवीन द वॉर दैट दिस सोल्जर्स वर फाइटिंग एंड द ट्रायल और द कोर्ट मार्शल दैट वाज हैपनिंग। तो इसके बीच में कहानी है, और मेरा किरदार ऐसा है कि उस टाइम पे आई रिप्रेजेंट द प्रेस, द जर्नलिस्ट ऑफ द कंट्री। हिंदुस्तान का एक ऐसा जर्नलिस्ट हूँ जो चाहता है कि जो सच है, जो ट्रूथ है, वो बाहर निकल कर आए। अंग्रेज़ों ने सेंसरशिप लगा के रखी थी उस टाइम पे, आप कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते थे, कभी छपेगी नहीं। तो जैसे ही मौका मिला ये जाता है और सच मालूम करता है और किसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अननोन और इलीगल तरीके से। तो इतना डेडिकेटेड और इतना कमिटेड जर्नलिस्ट था ये मेरा किरदार।